नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा कुशेश्वर स्थान विधानसभा चुनाव से आरजेडी 3 राउंड में आगे लीड कर रही है। लेकिन हम बता दें कि इस बार का जो विधानसभा उपचुनाव है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक सीट राष्ट्रीय जनता दल को ये लगने लगेगा कि वो कहीं ना कहीं सत्ता के और नजदीक आ रही है, जो कि पिछले विधानसभा में दूर हो गई थी, क्योंकि सभी चाहते हैं सत्ता पर काबिज होना। इसे लेकर के इस बार जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसे लेकर के तैयारी पहले से ही प्रारंभ कर दी गई थी। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि पहली बार लालू प्रसाद यादव, जो पिछले विधानसभा में चुनाव में नहीं उतरे थे, उन्हें भी तेजस्वी यादव को उतारना मजबूरी थी। तो हम बता दें कि मतगणना केंद्र जो रामनगर के महिला ITI में हो रहा है, वहां पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। वहां पर दरभंगा SSP बाबूराम के साथ सभी आला अधिकारी पूरी तरह तैनात है, क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही थी कहीं न कहीं उपद्रवी मतगणना के बाद वहां उपद्रव कर सकते हैं। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पूरी तरह अपनी तैनाती मौजूद रखी है। देखिए एक रिपोर्ट मतगणना केंद्र से। तो बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से 4 राउंड के बाद 5वें राउंड में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है क्योंकि पहले राउंड से लगातार 4थे राउंड तक राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी 300, 600, 700 से अधिक मतों से आगे चल रहे थे, लेकिन 5वें राउंड में जो अभी की स्थिति है उसमें जदयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इस बार ये बात कहना बहुत आवश्यक होगा कि इस बार के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव दरभंगा में कैंप कर रहे हैं, एक होटल में रुके हुए हैं, वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सिपाहसालारों को लगा दिया था। भोला यादव लगातार पंडासरा में कैंप कर रहे हैं और वो ये देखना चाहते कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। हालांकि इन लोगों ने एक बार आरोप भी लगा दिया था सरकार पर कि यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है और इसी की वजह से वो विधानसभा चुनाव हारे हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें दरभंगा पुलिस SSP बाबूराम और DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने पूरी व्यवस्था चौक चौबंद की। अब देख सकते हैं कहीं से भी कोई व्यक्ति बाहर से अंदर नहीं जा सकता है। दरभंगा की पुलिस पूरी जगह तैनात है, हर जगह चौक चौराहों पर तैनात है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पूरी तरह तैयार रहेगी, किसी को भी बिना कार्ड के अंदर आने से मनाही की गई है। इसके अलावा बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल हो फिर जदयू हो, इनके नेता लगातार अपनी नज़र बनाए हैं। तो बड़ी खबर हम बता दें कि अब जनता दल यूनाइटेड 5वें राउंड में आगे चल रही है। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 राउंड तक राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आगे जाने के बाद अब वो पिछड़ रहे हैं। तो ये बात बहुत मायने में एक अहम है कि क्या अब 6ठे राउंड की गिनती चल रही है, जो कि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम बता दें 6ठे राउंड में भी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। यानी कि 6ठे राउंड में जो अभी अभी सूचना मिली है उसमें जदयू प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो लगातार बिहार मिथिला न्यूज़ आपको बताती रहेगी, बने रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ के साथ, क्योंकि इस बार की प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल में भी एक बड़ा सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर।